अब तक आपने देखा, शादी के बाद धर्मराज संतों को अपने घर ले जाने के बजाय उसे अपने सूरत वाले गेस्ट हाउस भेज देते हैं, क्योंकि वो अपने घर वालों को इस शादी की खबर नहीं होने देना चाहते। उधर धर्मराज का साढ़ू भाई विराट सांघवी संतों को अपने घर लेकर आता है और अपनी पत्नी सुरेखा को बताता है कि उसके भाई जैसे धर्मराज ने दूसरी शादी कर ली। तुम्हारी स्वर्गस्थ बड़ी बहन की सौत। धर्मराज को सुरेखा से पता चलता है कि विराट संतों को उनके घर ले गया है। उधर विराट धर्मराज के घर आ पहुंचता है और घर वालों को धर्मराज की शादी की सच्चाई बता देता है। तो कुछ भी बोलेगा और मैं सुनती जाऊंगी, ऐसा लगा तुझे? क्यों मेरे यहाँ लिखा है? मैं यहाँ लिखा है, देखा? ये सुनकर तारू बहन, वसुधा बहन और सौरभ भाई पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। अब आगे ये देखिए, आप ही देखिए। देखिए ये आपके लाडले भाई की तस्वीर, देखा? अब भी यकीन नहीं आ रहा है? आओ मेरे साथ, आओ आप लोग, आओ दिखाता हूं मैं क्या है। आइए आइए। सनसनीखेज समाचार में आज की ब्रेकिंग न्यूज। धर्मपुर के मालिक धर्मराज माहियावंशी ने कल रात अपनी ही फैक्ट्री के वर्कर माधव सोलंकी की दोहित्री से रचाई शादी। अबे आपड़े मड़िए छोकरी ने नाना जी रहे। माधव भाई आप तो टीवी पे आने वाले हैं। कैसे हैं काका, सब कुछ ठीक तो है ना? आप धर्मपुर के मालिक धर्मराज के समधी बन गए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? ये तो हमारे मालिक हैं, हम सबके भगवान हैं। हमारा तो भाग्य खुल गया, भगवान इन्हें लंबी उम्र दे। क्या बात है काका, थैंक यू। देखा आपने, खुद तो सूरत के हर लोकल चैनल में हीरो बन गया है, लेकिन खानदान को विलन बना दिया। वैसे एक और सुराग है मेरे पास, बॉम्ब नंबर 4। इस घर की बहू यानी नई मालकिन। बहुत जोर से फूटा। मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप लोग उसका स्वागत तो करोगे ही। मैं लेकर आया हूँ उसे अपने साथ, भाभी जी को सूरत से। क्या है सासू माँ की, माहियावंशी परिवार की बहू और धर्मपुर की मालकिन एक गेस्ट हाउस में रहे अच्छा नहीं लगता ना? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अरे जाइए, उसके स्वागत की तैयारी कीजिए, जाइए ना, जाइए। और एक विनती है आपसे, हाथ छोड़ के उस पर गुस्सा मत कीजिएगा, छोटी है। देखिए छोटी है बेचारी। और एक हाथ छोड़ के विनती है आप सबसे, उस बेचारी को उसका हक जरूर मिलना चाहिए। चाहिए जिनेंद्र, लेकर आ रहा हूं इस परिवार की नई मालकिन को। फ्लेयर एंड लवली, आइया। हाँ?
चांबड़ भाई, गाड़ी के पीछे की सीट पे एक मिठाई का बक्सा पड़ा है, वो लेकर अंदर आ। भाभी जी, आपके ससुराल वाले आपका स्वागत करने की राह देख रहे हैं। सोचा कि आप अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे होंगे, कंसाइनमेंट जो पूरा हो गया है, लेकिन आप तो बाहर से आए, वैसे आप भी सबको चौंका देते हैं, पुरानी आदत जो है आपकी, घर वालों को भी चौंकाने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि आपका काम थोड़ा हल्का कर देता हूं। आपका रिश्तेदार हूं, चाड़ू भाई हूं, तो मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। देखिए ना, आप अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि आपके पास औरों के लिए समय ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि ऐसे मैं भी आपका अपना ही हूं ना, इसलिए मैंने अपनी आपकी मतलब मेरी भाभी जी को सूरत के गेस्ट हाउस से यहाँ घर तक पहुंचा दिया। अच्छा किया ना। वैसे मैंने भी हारना नहीं सीखा है, ये भी आप ही के पास सीखा हूं। वैसे आप भी कमाल है गुरुजी। अरे आओ भैला आओ, शू टाइमिंग से तारो। हाँ निकल निकल भाई, लीजिए चाड़ू भाई, मुंह मिठा दीजिए। ऐसे आज तो डबल खुशी का मौका है, खाइए खाइए। કાને સારું છે પણ મોડું શું જોઈએ છે? ફોન વાગે છે, ઉપાડી લે, સવેરે સવેરે ફોન આયા તો કોઈ જરૂરી હોય ઉઠા। હેલો સાહેબ, ગજબ હો ગયા, હમારે એક વર્કર ને આપકી ફેક્ટરી માં આગ લગા દી હે ઓર પૂરી ફેક્ટરી જલ રહી હે। શું થયું? ક્યાં હુઆ? એ ધુઆં કહાં સે ઉઠ રહા હે પિનાકી? દિલ સે યા તેરે કારખાને સે? ઇસસે અચ્છી બાત ક્યા હો સકતી હે વિરાટ? કે મેરા દુશ્મન अपने हार की और मेरे जीत की मिठाई खुद मुझे खिला रहा है। क्या बात है? सांभड़ भाईला, धर्मराज माहियावंशी को नुकसान झेलना पसंद नहीं, वो दूसरों का दुगना नुकसान करता है। समझी क्यों नहीं? या तू मेरा घर जलाने आया और वहां तेरे कारखाने से धुआं उठ रहा है। मेरे गेस्ट हाउस में तूने कदम रखा तो ये थी तेरी सजा। उठा ले उठा ले। हेलो। हाँ मिस्टर विराट सांघवी,
मैं सोमिल शाह डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन से बोल रहा हूँ। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कवर पाने के लिए आपने खुद ही अपने फैक्ट्री में आग लगाई है। हम आपके ऊपर पुलिस केस कर रहे हैं। एक बात और, डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन का जो नेक्स्ट कंसाइनमेंट आपके नाम पे था वो हम कैंसिल कर रहे हैं और वही कंसाइनमेंट मिस्टर धर्मराज मायावंशी को दे रहे हैं। मेरे घर में कदम रखने की ये तेरी सजा। जल्दी जा, नहीं तो तेरे 250 करोड़ का माल 2.5 कौड़ी का भी नहीं रहेगा। जा जा, जल्दी जा। इनाकिन, तू जा, मैं संभाल लूंगा। शादी में गया ही नहीं, शादी करके क्यों? क्यों जवाब दो मुझे, क्यों? घर की दहलीज है, इसके अंदर आना है ना तो ऊंची जाति का पासपोर्ट लगता है।
संतु वाघेला। वजन क्या है तेरा? 에! मस्का नहीं लगाना। चल क्या है? इस घर की दहलीज है, इसके अंदर आना है ना तो ऊंची जाति का पासपोर्ट लगता है, है? वो देख, तेरी सही जगह उधर है, बाहर। कचरा पेटी उठा तेरी। हाँ चल। अरे मारी माँ अवे एक साल ले शके। हाल पता है इस कमरे में मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है, मेरी अच्छी अच्छी चीजें मैंने इस कमरे में रखी हुई है। बहु नसीब वाली छे तू के तुझे ये कमरा मिला है। पता है इस कमरे में मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है, मेरी अच्छी अच्छी चीजें मैंने इस कमरे में रखी हुई है। जा 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 अंदर जा। गंदा मत करना कमरे को।
तेरी कचरा पेटी ले। कभी दुख की कभी सुख की संगिनी बंदीनी पहले भी बेटा समझ के डांटा है ना तूने मुझे, तो बोल ना दिल में जो बात है बोल दे। डांटना है डांट ले, मारना है मार ले, लेकिन ऐसे दिल को चुभने वाली बात मत कर बा। क्या समझूं मैं बेटा बहू लाया कि दामाद बेटी?